हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 18 मार्च के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, आप में से काफी सारे लोग पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एग्जाम हो, या फिर दूसरे ऐसे कंपेरेटिव एग्जाम्स जहां पे करंट अफेयर्स से कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वहां पर हेल्प करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि उनको नोटिफिकेशन नहीं होता, तो उसके लिए आपको ये बेल आइकन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस वीडियो से कंसर्निंग आना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर भी जाकर ये एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे पता है कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स है जहां पर ये जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रही है, बहुत जल्दी इस ऐप को अपडेट कर लिया जाएगा ताकि 100% मोबाइल्स के अंदर, जो कि अभी नंबर सिर्फ 95% है, ये जो एप्लीकेशन है काम करना शुरू कर देगी। हम इस वीडियो के अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और यहां पे वेरियस बुक्स है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। और अभी से हम एक कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं और आप में से बहुत से लोग उसका आंसर भी करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। और बहुत से लोग निमोनिक्स भी देते हैं, अच्छी अच्छी सजेशन भी देते हैं। तो अभी से क्या होगा, टू टेक दिस अ स्टेप फर्दर, आप में से जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसमें से मैं रैंडमली एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करूंगा और जो और एज ए प्राइस जो करंट अफेयर्स की हमारी जो पीडीएफ है वो उनको मैं मेल करूंगा। हमारे यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, 8-10 एमसीक्यूज एक्सलेंट परफॉर्मेंस, 6-7 एमसीक्यूज गुड परफॉर्मेंस, ये आपका सेफ जोन है बिकॉज प्रीलिम्स होने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट 4-5 एमसीक्यूज, लेसन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज, ये आपका डेंजर जोन रहता है। देखिए थर्ड ब्रैकेट जो है वो आपका 4-5 एमसीक्यूज वाला है, 40-55% वाला, जहां पर चांसेस ऐसे होते हैं कि हो सकता है 1.5 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स हो भी जाए या फिर रह भी जाए। तो कोशिश करिएगा हमेशा अपर टू ब्रैकेट्स में आने की, अगर नीचे के ब्रैकेट्स में भी आपके मार्क्स आते हैं इवन देन इट इज ऑल राइट, क्योंकि मार्क्स को हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। हुआ क्या है रिसेंटली, एक बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं बताऊंगा न्यूज में क्यों था, ये बिल किससे कंसर्निंग था, बट फिलहाल यहाँ पे 3 स्टेटमेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, एट प्रेजेंट देयर आर 6 लैंग्वेजेस विच इंजॉय क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। तो अभी एट प्रेजेंट 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। हो सकता है उड़िया इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस, उड़िया एक क्लासिकल लैंग्वेज है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। थर्ड, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो 6 हैं, 7 हैं, 8 जितनी भी है, वो 8th शेड्यूल के अंदर यहां पर मेंशन करी गई है। ये भी हो सकता है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में। ऑलरेडी हम क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक रिसेंटली बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और वो पास किया गया राज्यसभा के द्वारा, तो राज्यसभा ने इस बिल को पास किया है। ये बिल करता क्या है, इसने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का स्टेटस जो है वो ग्रांट किया है 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज को, 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है इस पर्टिकुलर बिल ने। तो इसी वजह से जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो क्वेश्चन में थी, यहां पर न्यूज में थी, और यहां पे 3 जो स्टेटमेंट दी गई उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां पे पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 6 लैंग्वेजेस। यस, 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है, जिसमें हमारे पास तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम, उड़िया। ठीक है, तो इसी वजह से उड़िया मैंने आपको बताया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, दैट उड़िया इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस। 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं, क्या इनको 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया। यस, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बहुत से ऐसे स्पीकर्स हैं वेरियस लैंग्वेजेस के, वो ये मांग करते हैं कि उनकी लैंग्वेज को यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए। हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देने के लिए यहां पर आवाज उठाई जा रही थी, इसको भी इसके लिए भी बात करी जा रही थी। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो मराठी भाषा है इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए। तो यहां पे फायदा क्या होता है, क्यों ऐसा लोग डिमांड करते हैं कि जो लैंग्वेज है उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए। देखिए काफी सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो है कि 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो स्कॉलर्स के होते हैं वो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर संस्कृत है एक क्लासिकल लैंग्वेज तो उसके अंदर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। और सेकंड होते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर सेट हो जाता है। तो यहां पे बेसिकली एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं उस लैंग्वेज के अंदर वेरियस स्कॉलर्स को। तो अगर मराठी को इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है तो मराठी भाषा में जो स्कॉलर्स होंगे उनको भी ये अवार्ड दिए जाएंगे। सेकंड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है वो सेटअप किया जाता है। तो ये जो 2 बेनिफिट्स हैं
इसके अलावा भी कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मेजर ये दो बेनिफिट्स थे जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को दिए जाते हैं, इसलिए वेरियस डिमांड्स उठती रहती हैं। और यहां पे हमारा जो क्वेश्चन था वो किस चीज से रिलेट करता था, वो था जो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का स्टेटस दिया। तो ये हमारी सारी लैंग्वेजेस हैं, इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए कि तमिल 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया को रिसेंटली मिला है 2014 में लेटेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर जो कि जल विकास प्रोजेक्ट के बारे में, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इंप्लीमेंटिंग, तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो जेएमवीपी को इंप्लीमेंट कर रही है। तो यहां पे चार नाम दिए गए हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कर रही है, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया, बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, बट फिलहाल सोचिए जेएमवीपी को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो न्यूज क्यों थी, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग जो है उन्होंने बताया है राज्यसभा को कि अगर हम वाटरवेज का यूज करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग है वो काफी कम करी जा सकती है। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम रेलवे की बात करें या रोडवे की बात करें और वाटरवे की बात करें, जो वाटरवेज है इसके अंदर पर किलोमीटर जो कॉस्ट आती है वो सबसे कम आती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। और रिसेंटली ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट दी थी राज्यसभा के अंदर, इस वजह से जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को भी क्वेश्चन में लाया गया, न्यूज में मेंशन था, और इस वजह से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो, अगर मैं आपसे पूछूं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेट करता है। साथ में ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनल वाटरवे वन जो है ये भी हम बना रहे हैं और जिसको वर्ल्ड बैंक यहां पे फंड कर रहा है, ये हमारा नेशनल वाटरवे वन है, ध्यान रखिए इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि उन्नत भारत अभियान से रिलेट करता है। उन्नत भारत अभियान के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा कथन सही है, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, यहां पे करेक्ट पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ MHRD, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कौन सा, उन्नत भारत अभियान हो सकता है। नेक्स्ट, इट एम्स टू लिंक द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स विद अ सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को 5 विलेजेस के साथ कनेक्ट करना, ये भी हो सकता है, वीडियो को पॉज करना है आपको यहां पर, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो उन्नत भारत अभियान के बारे में मैं आपको बता दूं, पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, MHRD का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उसको एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ कनेक्ट करना, ताकि ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए काम कर सके वहां की विलेज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि अगर ये 5 या उससे ज्यादा विलेजेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प करेंगे, जो विलेज कम्युनिटीज है उनका नॉलेज बेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, यहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूट का मेंशन नहीं किया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, यहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करी गई है, उनको विलेज के साथ लिंक किया जाएगा और उनके थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा विलेजेस के अंदर, ये उन्नत भारत अभियान का एक मिशन है। चलिए यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए, पिछले क्वेश्चंस में हमने वाटरवे देखी थी, मैंने ज्यादा आपके साथ उसको डिस्कस नहीं किया, तो उसका रीजन यही था क्योंकि यहां पे भी उससे कंसर्निंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री, तो सबसे लंबी वाटरवे कौन सी है हमारी कंट्री के अंदर। यहां पे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, धुबरी सदिया, प्रयागराज हल्दिया, गोदावरी कृष्णा, वेस्ट कोस्ट कैनाल, वीडियो को पॉज करना है आपको, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नेशनल वाटरवे वन, जैसे हमारे पास नेशनल हाईवे होते हैं ना, इस तरीके से नेशनल वाटरवेज है, तो नेशनल वाटरवे वन जो है वो प्रयागराज से हल्दिया तक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 1620 किलोमीटर, अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट है। मैप पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये यूपी से प्रयागराज से स्टार्ट होते हुए हल्दिया तक है, ठीक है, 1620, ध्यान रखिएगा, राइट। इसमें क्रोनोलॉजी भी देख लीजिएगा कि कहां कहां पे सबसे ज्यादा ये फॉल कर रही है, तो यहां पे 496 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर कहां पर है, ये 550 किलोमीटर है वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर 496 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर, और बिहार के अंदर है अराउंड 491 किलोमीटर, एंड देन फाइनली 83 किलोमीटर कहां पर है, ये झारखंड के अंदर। तो ये जो आपकी कलर स्कीम है इसको भी देख लीजिए, क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है नेशनल वाटर वे वन की, बिकॉज सबसे लंबी वाटर वे है ये, तो इसके बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी की वाटर वेज भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार,
हमारे पास नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र धुबरी टू सदिया 891 किलोमीटर्स है। नेशनल वाटरवे 3 है आपकी वेस्ट कोस्ट कैनाल की 205 किलोमीटर। 4 आपकी गोदावरी कृष्णा कैनाल है 1078 किलोमीटर। 5 आपकी ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल है 588 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 6 है आपकी बराक 121 किलोमीटर। तो ये आप क्रोनोलॉजी ध्यान रख लीजिएगा कि 1 कितनी लंबी है, 2nd, 3rd, 4th, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइएस्ट से लोएस्ट बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बोको हराम इज द मिलिटेंट ग्रुप ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री का मिलिटेंट ग्रुप है बोको हराम? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इजिप्ट, नाइजीरिया, चैड, सूडान। पीएससी में या पीसीएस एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं। नेवरदलेस आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए अपनी कि बोको हराम कौन सी कंट्री का यहां पे मिलिटेंट ग्रुप है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बोको हराम जो है वो नाइजीरिया का ग्रुप है। इसके बारे में न्यूज में मेंशन था, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया। बोको हराम का मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए, इसी चीज के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। बोको हराम का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल अगेंस्ट है, उसको फॉरबिड करते हैं। हराम का मतलब भी यही फॉरबिडन है और बोको का यहां पर मतलब प्रोबेबली वेस्टर्न एजुकेशन है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख लीजिए एक बार इसकी लोकेशन भी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुसुम स्कीम के बारे में। कुसुम स्कीम मेंशन करी गई थी न्यूज के अंदर, क्यों ये मेंशन करी गई थी वो डिस्कस करेंगे। बट पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कुसुम स्कीम इज एसोसिएटेड विद। तो कुसुम स्कीम जो है किस चीज से रिलेट करती है, किस चीज से एसोसिएट करती है? क्या ये फार्म लोन से रिलेट करती है, सब्सिडाइज एलपीजी से रिलेट करती है, फार्म सब्सिडी से रिलेट करती है, या फिर सोलर एनर्जी से रिलेट करती है? वीडियो को पॉज करना है, यहां पर वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली हुआ क्या, एमएनआरई ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने वेरियस पोर्टल्स यूज करे हैं, जैसे कुसुम स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है, साथ में ही कुसुम स्कीम पोर्टल के अलावा अक्षय ऊर्जा पोर्टल को भी लॉन्च किया, और साथ में आईरिक्स इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल को भी लॉन्च किया। बट हमारे लिए कुसुम पोर्टल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुसुम का यहां पे मतलब है, कुसुम की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, यहां पे कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कुसुम। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया एमएनआरई से रिलेट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये किससे रिलेट करता होगा, ये रिलेट करता है सोलर एनर्जी से। सो डी हेयर इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को थ्रू हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को हार्नेस करके यहां पे 2022 तक फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी हमारे किसानों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर ही जो आपकी सोलर एनर्जी है उससे यहां पे वाटर सेट जो है, वाटर पंप जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, कुसुम स्कीम के बारे में सोलर एनर्जी से रिलेट करती है और यहां पे फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नेशनल क्रेश स्कीम के बारे में है, और हमें बताना है नेशनल क्रेश स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन जो कि 6 महीने से 6 साल की आयु के होंगे वर्किंग मदर्स के लिए। नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। इसके अंतर्गत हेल्थ चेकअप्स भी दिए जाएंगे एंड इम्यूनाइजेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। इम्यूनाइजेशन का भी यहां पर एक प्रोविजन रखा गया है। वीडियो को पॉज करना है आपको, सोचिए इसके बारे में, देन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेशनल क्रेश स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया, वेरियस फीचर्स है इसके। इसके अंदर डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, स्लीपिंग फैसिलिटीज जो है वो भी बच्चों के लिए प्रोवाइड करी जाएगी, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन जो 3 साल से कम आयु के बच्चे हैं, 3 से 6 साल की आयु के बच्चे हैं, उनके लिए वेरियस प्ले एक्टिविटीज को भी यहां पर डिजाइन किया गया है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी यहां पर बात करी गई है। ठीक है, ग्रोथ मॉनिटर करी जाएगी उनकी। तो वेरियस यहां पे प्रोविजंस रखेंगे, काफी अच्छे प्रोविजन है। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो यस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि 6 महीने से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं वर्किंग मदर्स के, उनके लिए स्कीम स्टार्ट करी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं क्या हेल्थ चेकअप्स करा जाएगा। यस, हेल्थ चेकअप्स और इम्यूनाइजेशन दोनों के ही प्रोविजंस इस स्कीम के अंतर्गत रखे गए हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चैत्रा जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन से कंसर्निंग एक क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, उसको भी मैं इसके साथ रिलेट करूंगा ताकि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो यहां पे पूछा कि किस स्टेट के अंदर हम ये पर्टिकुलर फेस्टिवल चैत्रा जात्रा फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, कल मैंने आपको बताया था जो ऋषिकुल्या रिवर के ऊपर मंदिर था, और मैंने बताया था चैत्रा मन जो होता है जो कि
मार्च और अप्रैल में फॉल करता है उसके हर ट्यूसडे को ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो था उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ही चैत्रा जात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे तारा तारिणी टेम्पल की मैंने बात करी थी और मैंने आपको तारिणी INSV के बारे में भी बताया था, राइट। हुआ क्या है, ये जो सेलिब्रेशन होने वाला था ये COVID-19 की वजह से रोक दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है तो इसी वजह से लार्ज गैदरिंग्स जो है वो अभी मना करी गई हैं। तारा तारिणी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक श्राइन है और ऋषिकुला रिवर के ऊपर है, तो आपको प्रॉबेबली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अभी पता चल गया होगा। चलिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो टेम्पल्स है एक पर्टिकुलर स्टाइल में बने हुए हैं, वो स्टाइल कौन सा है आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आई बी वेरी हैप्पी अगर आपको ये चीज याद है कि मैंने कौन सा स्टाइल बताया था। मैंने आपको चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक स्टाइल था, देखिएगा मत पिछले वीडियो में जाके कि मैंने क्या स्टाइल था। अगर आपको याद है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कल का रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको रिटेन कर पा रहे हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि कौन से स्टाइल में ये जो तारा तारिणी टेंपल है उसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि GERD के बारे में है, विच इज ग्रैंड इथोपियन रेनेसों डैम। ये डैम जो है वो न्यूज में था, इसी वजह से क्वेश्चन इस पे बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसके बारे में, इट वॉज फॉर्मली नोन एज मिलेनियम डैम। इसे पहले मिलेनियम डैम के तौर पर जाना जाता था, हो सकता है। इट विल बी अफ्रीकाज बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये अफ्रीका का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, हो सकता है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इज बिंग बिल्ट ऑन यूफ्रेटस रिवर, जो ये डैम बनाया गया है ये यूफ्रेटस रिवर पर बनाया गया है, ये भी हो सकता है। यहां पर वीडियो को पॉज करना है आपको, सोचिए इसके बारे में, आपको यहां पर करेक्ट बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है, सोचिए इसके बारे में। फिर इसको मैप पर भी देखेंगे कहां पर लोकेट करता है और इसका क्या आंसर है वो भी देखेंगे। चलिए, तो ये जो अफ्रीका का जो बिगेस्ट डैम होने वाला है, बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, ये न्यूज में था, जिसे जर्ड कहते हैं ग्रैंड इथोपियन रेनेसों डैम। इसे पहले मिलेनियम डैम भी कहा जाता था और कुछ जगह पे हाइडेस्ट डैम भी कहा जाता था, ये इसके दो और नाम है, इसको भी याद रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है तो यहां पे पहली जो दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और साथ में ये बताया जाए कि कहां पर बनाया जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, जिसे नील नदी भी कहा जाता है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर इसे बनाया जा रहा है, यूफ्रेटस के ऊपर नहीं बनाया जा रहा है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन इसकी एक बार देख लीजिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कुछ भी चीज पॉलिटी से रिलेट करती हुई न्यूज में आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन सी अथॉरिटी यहां पर अपॉइंट करती है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द मे बी सम अदर अथॉरिटी। क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, बट पहले सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ना एक पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड हाई कोर्ट के अंदर। उनका कहना यह है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पोस्टपोन कर रही है लोकल बॉडी के इलेक्शन कोविड की वजह से, ठीक है। मे बी वहां पर गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, देयरफॉर देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, और ये सारा जो इशू था उभर के आ रहा था। देखिए, कंट्रोवर्सीज हमारे एग्जाम के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बॉडीज जो कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इश्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहां पर आंसर हमारा है गवर्नर। गवर्नर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, रीकैप करते हैं विद इन हम 2 मिनट्स। रीकैप बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए, बहुत से लोगों ने बताया होगा कि मैंने आपसे पूछा था कौन से स्टाइल में तारा तारिणी टेम्पल बनाया जाता है, अगर आप वो बता पाए तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है उस चीज को, तभी आप उस चीज को मेमोराइज कर पाए, रिटेन कर पाए और इसी वजह से रिकॉल कर पाए। मैं इसलिए बार बार एम्फोसाइज कर दूं कि रीकैप जरूर करिएगा, रिविजन जरूर करिएगा, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज रिकॉल करना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, क्लासिकल लैंग्वेजेस में हमने देखा था 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उड़िया उसमें से एक है। रिसेंटली संस्कृत की यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का स्टेटस दिया गया, राज्यसभा में बिल पास हो चुका है। 8 शेड्यूल के अंदर ये जो लैंग्वेजेस आती हैं, यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी जो है 2004, 2005, 2008, 2008, 2013, 2014 ये भी पता होनी चाहिए। फिर JMVP को इंप्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटी जो है वो कौन सी है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लीज मुझे बताइएगा हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसमें से एक डेफिनेटली एक विनर भी निकालूंगा। नेक्स्ट हमने देखा था नेशनल वाटरवे 1 के बारे में, यहां पे देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा कहां पे एरिया कवर हो रहा है, इसको भी क्रोनोलॉजी से आपको पता होना चाहिए, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। फिर हमने उन्नत भारत अभियान के बारे में देखा था, MHRD का प्रोग्राम है और यहां पे वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को विलेजेस के साथ लिंक किया जाएगा उनके अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। फिर हमने नेशनल लॉन्गेस्ट वाटरवे की बात करी थी, लॉन्गेस्ट वाटरवे हमारी प्रयागराज हल्दिया है, पहली दूसरी तीसरी से लेकर 6 नेशनल वाटरवे तक हमने सारी वाटरवेज को कवर किया था। बोको हराम का मतलब मैंने आपको बताया था, विच इज वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉर
फॉरबिडन, नाइजीरिया का ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। लोकेशन हमने देखी थी, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कुसुम स्कीम के बारे में जो कि सोलर एनर्जी से रिलेट करती है। इसके अंदर वाटर पंप्स जो है वो सोलर एनर्जी से चलाए जाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी दोनों ही फार्मर्स को 2022 तक हमें प्रोवाइड करने हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था एनसीएस के बारे में, नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए है, वर्किंग मदर्स के। इसके अंदर इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, वेरियस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर हमने चैत्रा जात्रा फेस्टिवल के बारे में बात करी थी, उड़ीसा का फेस्टिवल है। तारा तारिणी टेम्पल की बात करी थी, मैंने आपसे पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे स्टाइल बताइएगा तारा तारिणी टेम्पल का। फिर हमने डिस्कस किया था जीआरडी के बारे में, दैट इज ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, बिगेस्ट डैम है अफ्रीका का, और यहां पे मिलेनियम डैम और हाईएस्ट डैम के नाम से भी ये जाना जाता था। नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर, उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है। लोकेशन हमने इसकी यहां पे देखी थी। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आंध्र प्रदेश और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से न्यूज में था। गवर्नर यहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, तो ए यहां पे हमारा करेक्ट आंसर था। हमारा जो रीकैप है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्क्स। सो अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कांग्रेचुलेशंस यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में भी मार्क्स है, इवन देन कमेंट में जरूर लिखिएगा, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। तो क्या करिएगा, आपने जो नोट्स बनाए हैं सबसे पहले तो अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा। नोट्स नहीं बनाया तो एट मॉक पर जाकर ये जो एमसीक्यूज है इनको रिवाइज करिएगा, बिकॉज जब मॉक टेस्ट होगा वहां पर आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। और अगर मॉक टेस्ट में आप कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको दिखते हैं, डेफिनेटली यूपीएससी में भी आप वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक जो टारगेट है वो यही है कि यूपीएससी के अंदर आप जो गलतियां यहां कर रहे हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहां पर जितनी मर्जी यहां पर आप गलतियां करिए, कोई इशू नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में ऑफकोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी को कवर किया जाएगा। वेरियस प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेरी है तो। इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।